तो क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड फील कर रहे हैं फिल्म को लेकर? जी, ये बहुत ही प्राउड का मोमेंट है कि हम लोग कांस से वापस आए हैं, और कांस में स्पेशली कांस में जाना हमारे लिए एक ड्रीम जैसी बात थी इस फिल्म के लिए, और कांस में फिल्म गई है, फेस्टिवल में फिल्म का प्रीमियर हुआ, और उससे बड़ी बात जो हुई है वहाँ पर जो हमें रिस्पॉन्स मिला है लोगों का, जिस तरह से लोगों ने जो है कंटिन्यूस कई मिनट तक क्लैपिंग होती रही फिल्म ख़त्म होने के बाद, और वो एक बड़ा ही खूबसूरत मौका था और बहुत खूबसूरत एहसास था कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करके फिल्म बनाई और फाइनली फिल्म जो है उसको उस तरह का एक्लेम मिल रहा है। और फिर कांस में फिल्म देखने के बाद जो इंटरनेशनल रिव्यूअर्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उनमें से कुछ के रिव्यूज़ आए हैं और बहुत ही खूबसूरत रिव्यू आए हैं। हाल ही में यूके की एक पब्लिकेशन ने इस फिल्म को जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म फ्रॉम एशिया ऐसे कोट किया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा फिल्म बनाने से पहले कैसे आपको इंस्पायर किया था मंटो? मंटो की राइटिंग ने तो हमेशा ही, पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे हमेशा बहुत इंस्पायर किया है। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूं, उर्दू लिटरेचर से पढ़ाई की हुई है, तो उर्दू राइटर्स को चाहे वो इस्मत चुगताई हो, चाहे मंटो हो, चाहे उससे पहले के जो शायर थे गालिब इकबाल को पढ़ते आए हम लोग, सो मंटो की जो राइटिंग है उसका असर, उसका प्रभाव जो है हमेशा रहा है। और फिर उसके बाद जब हमने ये शुरुआत की क्रिएटिव फील्ड में, थिएटर में आए, थिएटर करना शुरू किया, तो थिएटर के लोग बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर मंटो से इंस्पायर्ड हैं, तो उस वक्त भी ये मतलब इसका जो है असर होता रहा। और फिर फिल्म बनाने का कभी सोचा नहीं था। फिल्म बनाने का ख्याल जो है वो एक डेढ़ साल पहले जब मैंने उनकी कहानी खोल दो पढ़ी थी, तो उस वक्त मुझे लगा कि ये इतनी खूबसूरत कहानी और इतनी पावरफुल स्टोरी, बल्कि खूबसूरत से ज़्यादा कहूँगा कि इतनी पावरफुल कहानी, कि कई दिनों तक उसका जो असर है, उसका जो प्रभाव है, वो मेरे ऊपर से गया नहीं। मैं सोते जागते वो कहानी मुझे हॉन्ट कर रही थी। तो उस टाइम पे मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि मंटो की इतनी बढ़िया कहानी है, और हमेशा लोग इस पे चर्चा करते हैं, हमेशा बातें करते हैं कि इतना कमाल का, इतना एडवांस थिंकिंग रखने वाला राइटर शायद ही कोई दूसरा होगा, और स्पेशली उर्दू लिटरेचर में तो कोई भी नहीं है जो जिस तरह से मंटो ने लिखा, तो फिर हम क्यों उसके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी है, क्यों कोई काम नहीं हुआ? क्योंकि एज अ फिल्म मेकर आप हमेशा यही सोचते हो, अगर आपको कोई कहानी अच्छी लगती है तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप उसको फिल्म पर उतारें। तो मुझे ये लगा कि इसको लेकर फिल्म बनाना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने अपने जो बाकी लोग हैं, जो मेरे पार्टनर्स जो इसमें जुड़े हैं, जैसे सबसे पहले मैंने तारिक साहब से बात की, तो उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात होगी अगर फिल्म बनाएं। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात डॉक्टर साहब से हुई। डॉक्टर साहब एक्चुअली ये कलेक्शन में इनका ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, इनके पास ये हिस्टोरिकल चीज़ों का कलेक्शन करते हैं, तो क्योंकि ये फिल्म हिस्ट्री से जुड़ी हुई थी, तो मैं इनकी एक एग्जीबिशन में गया था जो गांधी जी का जिस स्टैम्प्स और उनका जो कलेक्शन है, इनके पास वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा कलेक्शन है, तो मुझे वहाँ बुलाया गया था। तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई, तो क्योंकि एक जैसे कहते हैं कि आप एक तरह की थिंकिंग जब मिलती है, तो मुझे लगा कि इनको हिस्ट्री पे इतना ज़्यादा जो है, इतना इनका नॉलेज है, तो इनके साथ मंटो को लेकर डिस्कशन हुआ। फिर आदित्य इनके बेटे हैं, तो आदित्य के साथ भी हुआ, तो वहाँ से ये हुआ कि इन्होंने भी कहा कि चलो हम भी इस फिल्म में इन्वॉल्व होंगे, हम भी इस फिल्म को सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे आदित्य भी हमारे साथ एज अ पार्टनर प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड आ गए। तो इस तरह फिर लोग जुड़ते गए, फिर और दूसरे लोग भी हमारे साथ जुड़े। फिर इस तरह जब हमने एक्टर्स से बात की, तो हर एक्टर जो था वो जैसे कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा कीन था कि मंटो का कोई किरदार मुझे प्ले करने को मिले, चाहे वो सोनल सहगल हो, चाहे रघुबीर यादव हो। उनका ये था ही नहीं कि मैं उसमें से कुछ चुनूं, वो कह रहे थे आप बस एक किरदार हमें दे दो, क्योंकि मंटो की कहानियाँ, वो किरदार पढ़ते पढ़ते सब लोग जो हैं वो उनकी ज़िंदगियाँ गुजरी हैं। जी, इसके अलावा प्रोड्यूसर से जानना चाहूँगा सर, आपने क्या खास बात देखी थी जो आपने इन्वेस्ट करने का फैसला किया? प्रोड्यूसर ये हैं, ये क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, दोनों से जी। राज जी से बात हुई थी हमने एग्जीबिशन के टाइम ही इसके बारे में मूवी के, तो मैंने पढ़ा था पहले स्कूल टाइम में मंटो के बारे में पढ़े थे, तो उससे थोड़ा इंस्पायर तो थे ही, तो इसमें लगा कि इंटरेस्ट लेना चाहिए। मंटो को तो जैसे मैं रायपुर से हूँ, रायपुर एक बाहर में बहुत दूर का जगह है, फिर भी रायपुर में भी लोग मंटो को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं भी जानता था, पढ़ता था, और उस समय 48 के आसपास एक विवादास्पद कहानी लिखना बहुत जिगर का काम था। आज तो कोई भी लिख लेता है, कोई भी बोल देता है, लेकिन 48 में कोई अगर लिख रहा था तो बहुत हिम्मत का काम था। और जैसे इसमें दो विवादास्पद कहानियाँ हैं, दो मार्मिक कहानियाँ हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन ही लेना राज जी की विशेषता थी, और वो मुझे बहुत अच्छी लगी।
और बीइंग इन कलेक्टर मैं क्वाइन कलेक्शन करता हूँ, तो कुछ वीडियो ऑडियो जो मेरे पास थे मैंने उसमें दिया, उसका यूज इसमें किया गया। इसके अलावा कोई खास कॉम्प्लीमेंट मिला है इस फिल्म को लेकर? कई सारे कम्प्लीमेंट्स मिले हैं, मैं मतलब बेहतरीन कम्प्लीमेंट तो यही था कि जो एक बड़े क्रिटिक ने एक पब्लिकेशन के अंदर लिखा है, दिस इज़ द फाइनेस्ट फिल्म विच कम्स आउट फ्रॉम एशिया। उसके अलावा एक ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं कैनेले होप, उन्होंने जो कम्प्लीमेंट्स दिए, मैं आपसे क्या कहूँ, मतलब उन्होंने तो उन्होंने कहा आई लव द साइलेंस बिटवीन डायलॉग्स इन दिस फिल्म एंड यू हैव अचीव लाइक द लाइक ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स इन हॉलीवुड, दे अचीव दैट साइलेंस विच होल्ड्स यू। और कई सारे एक्टर्स के उन्होंने कहा कि मतलब आपके एक्टर्स इतने पावरफुल हैं, उनका जितने सीन्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मंटो का एक असर जो है ना हम सबके ऊपर था, चाहे वो सारे एक्टर हों, चाहे मैं हूँ, चाहे सारी टीम थी, और वो इतनी स्ट्रांग लिखी हुई कहानियाँ थी, और फिर उनको परफॉर्म करते करते सब लोग उसी तरह से इन्वॉल्व हो गए थे, चाहे वो शोएब हैं, उन्होंने ठंडा गोश्त का किरदार किया था ईश्वर सिंह का, जिसमें उन्होंने काफ़ी प्रिपरेशन किया, तारिक साहब ने एक कैरेक्टर किया है आखिरी सल्यूट का, ये सारे बड़े हिस्ट्री के कैरेक्टर्स हैं, मतलब उन वो किरदार बड़े ज़िंदा किरदार हैं, वो जो अमर रहने वाले किरदार हैं। हम जब ये फिल्म बना रहे थे, मुझे याद है, तो रघुबीर यादव जी ने कहा था कि फिल्में तो हम बहुत सारी करते हैं, पर ये कुछ ऐसी चीज़ बन गई है या बन रही है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, जो मरेगी नहीं। फिल्में तो फ्राइडे को आती हैं और अगले फ्राइडे तक ख़त्म हो जाती हैं, पर ये अगले फ्राइडे को ख़त्म नहीं होगी, ये कहीं प्रिजर्व हो जाएगी, क्योंकि ये मंटो का लिटरेचर है। सर, इसके अलावा बॉलीवुड के पर्दे पर कब उतारने के लिए सोच रहे हैं? और काफी बोल्ड सीन्स है इसमें, तो क्या लगता है कुछ चेंजेस की गुजारिश होने वाली है शायद सेंसर बोर्ड से, तो इसको आप कैसे लेने वाले हैं? क्या देखिए, मंटो ने जब ये कहानियां लिखी थी तो उन्हें जेल भेजने की कोशिश की गई थी, उनके ऊपर चार्जेस लगे थे और कोर्ट में ले जाया गया था, और कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि अगर आपको ये कहानियाँ गंदी लगती हैं तो ये समाज बर्दाश्त के लायक नहीं है, मैं दर्जी नहीं हूँ जो कपड़े पहनाऊँ, मैं समाज में जो देखूँगा वही दिखाऊँगा। तो उसी ईमानदारी से हमने इस फिल्म को बनाया है, जल्दी ये फिल्म पर्दे पे आएगी, क्योंकि अभी हमने कांस में इसकी सिर्फ ओपनिंग की है, फर्स्ट स्क्रीनिंग मतलब प्रीमियर हुआ है, इसके बाद अभी ये फिल्म जो है अभी सैन फ्रांसिस्को जा रही है, US का एक बड़ा फेस्टिवल है, वहाँ फेस्टिवल ऑफ ग्लोब, वहाँ ऑफिशियल सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद ये लंदन का एक फेस्टिवल है, वहाँ पर इसको इन्वाइट किया गया है, फिर हम टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उसके अलावा कुछ और हम ये चाहते हैं कि इससे पहले कि हम इस फिल्म को दिसंबर जनवरी के आसपास यहाँ पर रिलीज़ करें, उससे पहले हम इसको वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कोनों तक पहुँचाएँ, ताकि मंटो का जो काम है, जो लिटरेचर है, और जिस तरह की ये फिल्म बनी है, हमें एक चीज़ की तो गारंटी हो गई, जब हमने कांस में दिखाई है तो वहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल वर लाइक देयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें स्पेन के लोग थे, वहाँ के एक्टर्स थे, पेरिस से कुछ लोग थे, UK से थे, और दूसरी कंट्रीज से काफ़ी सारे लोग थे, इवन अरब कंट्रीज से कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की। अरब की एक प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा कि आई हैव नेवर सीन अ फिल्म लाइक दिस फ्रॉम इंडिया, बिकॉज इंडियन फिल्में बहुत कम देखते हैं वो लोग, तो वो लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि इंडियन फिल्म सिर्फ गाने और ना मतलब डांस गाना और ऑल दैट इज देयर, तो कहते हैं कि इतनी सेंसिबल, इतनी सीरियस फिल्में मैंने बहुत कम देखी हैं हिंदुस्तानी सिनेमा की। तो हमें ये समझ में तो आ गया कि ये फिल्म जो है ये हर जगह पे दिलों को छूने वाली है जाकर, ये किसी भी दुनिया के कोने तक, बस हमें वहाँ तक इसको पहुँचाना है। तो इसके लिए हमें काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज़ वहाँ पर कांस में मिली हैं, US की कंपनीज़ मिली हैं, जो कि सेल्स एजेंट्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो लोग भी इंटरेस्टेड हैं कि हम इसका इंटरनेशनली मार्केट करें इस फिल्म को। तो इंडिया में पर्दे पर लाने से पहले हम चाहते हैं कि इसको इंटरनेशनली, हम इस फिल्म को ग्लोबली जितना दूर तक भी हम कोशिश करेंगे, जहाँ तक ले जा सकते हैं हम इसको ले जाएं, ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो, ताकि जिस वक्त ये फिल्म फिर थिएटर्स में रिलीज़ होगी तो लोगों को पता हो, क्योंकि अक्सर होता ये है कि बहुत अच्छी अच्छी फिल्में यहाँ पर बनती हैं, सेंसिबल फिल्में बनती हैं, और कुछ ही खास फिल्म मेकर हैं जो इस तरह की सेंसिबल फिल्में बनाते हैं, बट वो लोगों तक पहुँच नहीं पाती। जैसे खास एग्जाम्पल है आंखों देखी, रजत कपूर की फिल्म आई थी, मुझे पर्सनली बहुत अफसोस होता है उस तरह की फिल्म के लिए, इतनी खूबसूरत फिल्म थी, बाद में आपने उठा के उसको फिल्म फेयर अवार्ड भी दे दिया और ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, लेकिन जिस वक्त वो फिल्म थिएटर में लगी है, ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको सपोर्ट किया, ना इतने सारे यहाँ कॉरपोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, किसी ने सपोर्ट नहीं किया उस फिल्म को, लोगों को पता ही नहीं चला फिल्म कब आई, कब चली गई। बाद में जब फिल्म फेयर मिल गया तो लोग उसकी वाह वाह कर रहे हैं या उसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम लोगों की कोशिश यही है कि हमारी फिल्म ये ना हो कि बड़े बड़े स्टार्स में फिर वो फिल्म आकर खो जाए, इससे अच्छा है कि हमारी फिल्म एटलीस्ट लोगों को दिखे,
तो हम पहले इंटरनेशनल मार्केट को टैप करेंगे, उसके बाद ऑब्वियसली बनी तो हिंदुस्तान के लिए है, तो आखिर में